मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को मायूस कर दिया है, जो लोकसभा चुनावों के पहले टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद पाले। दरअसल 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2023-24 में रिटर्न फाइल किया था, उन्हें निराशा हाथ लगी है। महंगाई से परेशान टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि मोदी सरकार कुछ टैक्स के बोझ से राहत देगी, पर उन्हें अंतरिम बजट ने निराश किया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8.18 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने आयकर रिटर्न फाइल किया है, तो 2022-23 में कुल 10.09 पैन कार्ड धारक ने इनकम टैक्स का भुगतान किया। टैक्स पेयर्स को ये उम्मीद थी जिस प्रकार खाद्य महंगाई दर दहाई अंकों के पास है, ऐसे में वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपए से ज्यादा बढ़ाने का ऐलान करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि 2019 के अंतरिम बजट स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए किया गया था। वही माना जा रहा था कि वित्त मंत्री नए इनकम टैक्स रिजिम को लोकप्रिय बनाने और स्वीकारिता बढ़ाने के लिए नए टैक्स रिजिम में बदलाव करेंगी, पर टैक्स पेयर्स को निराशा हुई है। मौजूदा समय में नए इनकम टैक्स रिजिम के तहत टैक्स रेट पर नजर डाले तो नए टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक जिनकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। सरकार 25,000 रुपए जो टैक्स बन रहा सरकार टैक्स रिबेट दे रही है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5%, 6 से 9 लाख रुपए के स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए के स्लैब पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होता है। वहीं जिन टैक्स पेयर्स ने पुराना टैक्स रिजिम अपनाया हुआ है उन्हें भी उम्मीद थी कि इसके टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। खासतौर पर नए रिजिम के समान इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद थी। फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.50 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स छूट है। वैसे पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक जिनकी आय थी उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता था। अब 2.5 से 5 लाख रुपए तक के इनकम पर 5% की दर से जो कि 12,500 रुपए का टैक्स बनता है सरकार रिबेट देती है। पुराने टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होता था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के इनकम पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है। वही अंतरिम बजट में तो टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है। अब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार से अब टैक्स पेयर्स की सारी उम्मीदें हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।